Assalam Alaikum 5 class. How are you all? I hope you are all fine. Today our lecture topic is climate. क्लाइमेट के हम लोग बुक रीडिंग भी कंप्लीट कर चुके हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, आज हम इसके ब्रीफ क्वेश्चन करेंगे. तो इसका ब्रीफ क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करेंगे. सो काइंडली ओपन योर नोटबुक्स, फिल योर हेडर. हेडर पे आप लोग लिखोगे क्लाइमेट और डेट मेंशन करोगे नवंबर 29, 2020. ठीक है, फर्स्ट लाइन पे आप लोग लिखोगे आंसर दिस ब्रीफ क्वेश्चन. उसके बाद सेकंड लाइन से आप लोग क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करोगे. क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्कस द डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के मौसम के बारे में बताएं. डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन ऑफ पाकिस्तान आर, नंबर 1 पे है माउंटेनियस एरियाज हैव हार्श विंटर. जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बहुत सख्त सर्दी होती है, क्योंकि वहाँ पे बर्फबारी होती है, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही होती है जो विंटर सीजन. ठीक है, एंड द समर ऑफ दिस रीजन इज़ वेरी प्लीजेंट. और जो मौसम गर्मा होता है वो बहुत ज़्यादा खुशगवार होता है पहाड़ी इलाकों में. नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का इन अपर इंडस प्लेन समर इज़ वेरी हॉट. अपर इंडस प्लेन जो है मैदानी इलाकों को कहते हैं. मैदानी इलाकों को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है. एक हिस्सा इसका होता है लोअर इंडस प्लेन और एक अपर इंडस प्लेन. तो जो अपर इंडस प्लेन का जो क्लाइमेट होता है इज़ वेरी हॉट, यानी कि मौसम गर्मा में वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. जो अपर इंडस प्लेन वाले इलाके होते हैं वहाँ पे मौसम गर्मा में बहुत शदीद की गर्मी पड़ रही होती है. विंटर सीजन ऑफ अपर इंडस प्लेन इज़ वेरी प्लीजेंट. जो विंटर सीज़न होता है अपर इंडस प्लेन का वो बहुत ज़्यादा खुशगवार होता है. बट इट डज़ नॉट लो, लेकिन ये ज़्यादा लंबा नहीं होता है. इन समर द टेम्परेचर ऑफ द प्लेटू ऑफ बलोचिस्तान, मौसम गर्मा में जो दर्जा हरारत होता है बलोचिस्तान प्लेटू का, एंड द थर्ड एजिट राइजेज, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है यहाँ पे. द विंटर सीजन इज़ वेरी सीवियर. यहाँ पे जो थर्ड डेजर्ट है और बलोचिस्तान प्लेटू है, यहाँ पे द विंटर सीजन इज़ वेरी सीवियर इन बलोचिस्तान प्लेटू. जो विंटर सीजन बलोचिस्तान में, जो बलोचिस्तान प्लेटू है, जो सतह मुर्तफा हमारा बलोचिस्तान का है, वो बहुत ज़्यादा शदीद होता है, यानी सख्त सर्दी पड़ रही होती है विंटर सीजन. द टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल एरिया, जो कोस्टल एरिया होते हैं, जो साहली इलाके होते हैं, डज नॉट राइज, वो नहीं बढ़ते, यानी कि उनका दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ता ड्यू टू सी ब्रीज, समंदरी हवाओं की वजह से. सो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का ब्रीफ क्वेश्चन नंबर 1 है. इसको आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे राइट डाउन करना है, इसको लर्न अच्छे से करना है, और फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.